ये आप देखिए सांसद अनिल फिरोजिया भी मौके पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ सीएम बहनों से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। मंच की तस्वीरें हैं जहां पर बहनें सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधने के लिए पहुंची हुई हैं। तो रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम है और इसी कड़ी में सीएम आज अपनी बहनों के बीच मध्य प्रदेश में राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं और बहनों को कई सौगात भी आज उज्जैन में दी जा सकती है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का विशेष दिन है। तो ये पूरी तरीके से विधि विधान के साथ आप सीएम का अगर माथे का तिलक ही देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि अब तक उन्होंने कितनी राखियां बंधवा ली हैं, कितनी बहनों से संकल्प कितनी बहनों को दे दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी रक्षा का, उनके बेहतरीकरण का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सीएम मोहन यादव अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और बहनों से यहाँ पर राखी बंधवा रहे हैं। ये कन्या पूजन करते सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की ये परंपरा है कि जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम का आगाज किया जाता है तो सबसे पहले कन्या पूजन किया जाता है और उसी की झलक है ये। कन्या पूजन करते सीएम नजर आ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने बहनों से राखी भी बंधवाई है और अब यहाँ पर ये और विशेष तस्वीरें मंच के नीचे की ये तस्वीरें हैं जहाँ सीएम कन्या पूजन करते नजर आ रहे हैं। तो आज लाडली बहनों के कार्यक्रम का आयोजन उनके लिए किया गया है और सीएम आज लाडली बहनों के बीच खुद पहुँच रहे हैं। हालांकि सभी लाडली बहनों के खाते में बढ़ी हुई राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। तो 1250 राशि की कीमत थी और 1500 रुपये बहनों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। 250 रुपये रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की राशि में जोड़कर दिए थे और इस बार प्रत्येक बहन के खाते में 1500 रुपये गए हैं। और आज सीएम का अपने गृह जिले का दौरा है, उज्जैन के दौरे पर हैं सीएम और आज अपने गृह जिले में अपनी बहनों के बीच आज सीएम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम है रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम है ये, जहाँ पर सीएम स्नेह की डोर को अपने हाथों में बंधवाते बहनों का प्यार लेते नजर आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा घूम के इधर साइड में जगह बना ले, पीछे की ओर आ जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, जोरदार ताली बजाकर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आपकी पूरी महिला टीम को लेकर बड़ी राखी से और बड़ी माला से स्वागत करें और रक्षाबंधन पर्व मनाए। बड़ी राखी और बड़ी माला मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि आप सारे लोग मंच के फ्रंट की ओर आ जाए। नगर पालिका अध्यक्ष जी बड़ी राखी से आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए स्वागत करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष जी व उनकी पूरी टीम, महिला मोर्चा व उनकी पूरी टीम, मैं बहनों से आग्रह करता हूँ व्यवस्था जमा लें। नगर पालिका अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, महिला मोर्चे की हमारी सभी बहनें, बड़ी राखी से मैं बहनों से आग्रह करता हूँ थोड़ी व्यवस्था जमाए। भैया पुरुष भैया आप लोग सब पीछे आ जाओ, पहले पहले बड़ी माला से स्वागत कर लो। सबसे पहले अतिथि सम्मान, जोरदार ताली बजाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, सांसद जी के लिए, विधायक जी के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी राखी लेकर आ जाए, आराम से आराम से भैया, आराम से आराम से आराम से आराम से। हमारे
हेलो, चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पार्षद सतीश केतवाल जी कुछ कहना चाहते हैं, नहीं पत्र देना चाहते हैं। बिट्टू यादव जी आप भी आ जाओ, पत्र लेकर आपका। बिट्टू यादव जी पत्र लेकर आ जाओ आप भी। हमारे वार्ड के जिस वार्ड में कार्यक्रम है, इस वार्ड के कार्यक्रम कुछ मांग पत्र है आदरणीय सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, विधायक जी को देना चाहते हैं। जगह पर बैठ जाइए सब, चलिए अपनी जगह पर बैठ जाइए सब लोग। जगह अरे ये लो दीदी, बहुत हो गया पीछे, अरे ये लो, चलिए अब आप सब लोग जगह पर बैठ जाइए। ये लो आप अपनी जगह बैठ जाओ, चलिए चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे वार्ड में पट्टे आज तक नहीं मिल पाए। मेरा सबसे बड़ी मांग है इस वार्ड के पट्टे वितरण किए जाए। पार्षद जी आप सब लिख के दे दो माननीय विधायक जी को। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब से आग्रह करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष जी और हमारे कुछ पार्षद जी कुछ मांग पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। चलिए जगह पर बैठ जाओ, चलो अपनी अपनी जगह पर, चलिए आप लोग प्लीज प्लीज आप लोग भी सब लोग। हमारे आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और हम सबको उद्बोधन दें। चलिए जितने भी फोटोग्राफर है सब लोग नीचे आ जाए, हो गया आपका फोटोग्राफ सब आ जाए। चलिए भारत माता की। बिट्टू भैया हो गई बातचीत, अब अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए प्यारी बहनाओं की आज हम सबके बीच में रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कृपया शांत हो जाइए, बैठ जाइए सब लोग, चुपचाप बैठ जाइए। अभी आप सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपका रक्षा सूत्र ग्रहण करेंगे, इसलिए आप शांति से बैठिए। मैं बहादुर सिंह जी अब मैं बात कह लूं फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों के बीच में इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद आजादपुरा की इस जमीन पर नागदा में पहली बार कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार के बीच में आने का काम किया है। ये वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28, ये जो पूरी हमारी बिरला ग्राम की गरीब बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, टापरी बस्ती है, उन बस्तियों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार में आकर हमको इस रक्षाबंधन के पर्व पर अपार उत्साह से भर दिया है। आपका ये हम लोगों के प्रति प्रेम, आपका ये स्नेह और आपका अपनी बहनों के प्रति ये सम्मान निश्चित रूप से हम लोगों के मन मस्तिष्क में वर्षों वर्षों तक अमिट छाप के रूप में रहेगा। मैं आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन के बीच अपने परिवार, अपनी सगी बहनों से रक्षाबंधन कराने के पहले नागदा नगर में बहनों के बीच में आकर और परिवार के घरों में जाकर रक्षाबंधन कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, यह हम सब लोगों के लिए अविस्मरणीय है। मैं आप सब बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने प्यारे मोहन भैया का सब बहने स्वागत करें।
अभिनंदन करें। मैं जितने भी भाई लोग खड़े हुए हैं, मैं आप भाइयों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सब भाइयों की ओर से आज इस पंडाल में जितनी बहनें आई हुई हैं, मैं उन सब बहनों के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सब भाइयों की ओर से आप सब बहनों का स्वागत करता हूं। लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं, वो पत्र मेरा। आज रक्षाबंधन पर जब बहनों के बीच भैया आए हैं तो इन बहनों की एक बहुत बड़ी अपेक्षा भाई साहब आपके साथ जुड़ी हुई है। ये बहनें चाहती हैं, आपने 1250 रुपए लाडली बहना को दे रहे हैं, राखी के पर्व पर आपने सब बहनों को 250 रुपए देने का काम किया, लेकिन बहनें आपसे एक उपहार और चाहती है। नहीं, उसमें आपको पैसे नहीं देना, उसमें आपको कोई योजना प्रारंभ नहीं करना है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह बिरला ग्राम क्षेत्र का नागदा का मध्य प्रदेश का प्रमुख झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ जमीन शासकीय है, कुछ जमीन रेलवे की है, कुछ जमीन बिरला की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी इन बहनों को अपने मकानों का मालकाना हक आज तक नहीं मिला। नागदा के दूसरे वार्डों में पट्टे मिल गए, उनको मालकाना हक मिल गया, लेकिन ये जो हमारी सारी टापरी क्षेत्र है इसमें बहनों के मकान है, झोपड़ी है, झुक्की है, लेकिन उनको मालकाना, अतुल जी एक मिनट रुक जाओ ना, उनको अपना मालकाना हक नहीं मिला है। और इसलिए मैं आज अपने प्यारे भैया से बहनों की तरफ से पैरवी करना चाहता हूं कि यहाँ की जो शासकीय भूमि है आप उसको तुरंत चिन्हित कराकर उन सब बहनों को पट्टे देने का काम करें। हमने सांसद जी के नेतृत्व में रेलवे से कई बार पहले बातचीत की है। रेलवे का कहना यह है कि यहाँ पर जो रेलवे की जमीन है उसके बदले में हमको शासन कहीं दूसरी जगह दे दे, उज्जैन में दे दे, रतलाम में दे दे और कहीं रेलवे में दे दे, हम ये जमीन उनको दे देंगे। तो इस तरीके से उस भूमि पर भी कार्रवाई पूरी करके उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। हर बार उनको नोटिस मिलने का जो झंझट है और जो तनाव है वो खत्म होगा। बाकी जो बिरला की जमीन है आप उनसे चर्चा करके उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं केवल एक यही तोहफा बहनों की ओर से आपसे मांगता हूं और अपना पत्र आपको प्रेषित करता हूं और आपका बहुत सारा स्वागत सम्मान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। निश्चित ही आपने हमारी बहनों के दिल को छुआ, उनके दिल की बात कह दी। और अब मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके लाडले भैया मध्य प्रदेश के जननायक आपके हृदय सम्राट मोहन भैया को आमंत्रित करता हूं कि आए और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बोले महाकाल महाराज की, क्षिप्रा नर्मदा चंबल मैया की, हरसिद्धि मैया की, सभी बहनाओं की। आज के इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन का पावन पर्व और नागदाह, जहां अतीत के काल में कभी नाग यज्ञ हुआ होगा और नाग यज्ञ में ऐसा कहते हैं दुनिया का ये एकमात्र यज्ञ ऐसा है। यशस्वी सांसद जी के लिए अभिनंदन करो जिनने बोलने का समय मेरे को दे दिया। इनने कहा आप ही बोल लो, मैं मान के चलूंगा। बोल लिया तो इनकी उपस्थिति दर्ज कर लो ताली वाली बजा करके, इनका भी प्रेम से स्नेह से आशीर्वाद दे दो। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला वो भी साथ में आया, जोरदार अभिनंदन। और सबकी तरफ से बोले आपके अपने, वैसे तो बहादुरी बहुत होता है लेकिन ये बहादुर में भी तेज बहादुर है, जोरदार ताली बजा तेज बहादुर जी के लिए। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान विधायक नागदा खाचरोद, हमारे वरिष्ठ नेता भी है। इस अवसर पर नागदा की नगरपालिका अध्यक्ष हमारी बहन, हमारे मेरे साथ उज्जैन से आए राजन भारती हमारे बाबा, आपके अपने यहाँ के माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब वो भी कही है ना, राजेश धाकड़ जी है, एक और शेखावत जी है, राणावत लाल सिंह राणावत जी भी है, हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन करो। आज रक्षाबंधन के त्योहार पर
सच मानो हमारे अपने त्योहारों की परंपरा में कई बार हमको ये त्योहारों की गहराई मालूम नहीं पड़ती है। इसकी गहराई क्या है? दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत और भारत का ये पुराना भी हिस्सा भारत वाला ही है, जहां परिवार परंपरा कुटुंब परंपरा, लेकिन परिवार परंपरा कुटुंब परंपरा इसको बनाए रखने के लिए जैसे हमको मकान बनाना है तो ईंट रेती लक्कड़ पत्थर दरवाजा खिड़की फर्श सब बनाना पड़ता है, इससे मकान बनता है। ऐसे हमारे परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए हमारे अपने ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहारों की रचना की है। इस त्योहारों की रचना में वो सब छिपा है जिससे परिवार बचता, परिवार की आत्मीयता बढ़ती, परस्पर प्रेम बढ़ता, सौहार्द बढ़ता, आनंद बढ़ता, उत्साह बढ़ता, उमंग बढ़ती, यह आपस की ललक बढ़ती है कि हाँ हमारा परिवार कुटुंब परिवार है, उस कुटुंब परिवार की तरफ हमारी आत्मीयता का पहाड़ है और दुश्मन हमारी तरफ देखे तो जैसे पांच उंगली अलग अलग है लेकिन मुकाबला करने के लिए मुक्का बांध के सामने करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ये मुक्का सबका बराबरी से मुकाबला करता है। हमारी ये मुक्का बनाने की पद्धति है, ताकत बताती है, ये हमारी शक्ति है और इस शक्ति के साथ हम भगवान की भक्ति में भी विश्वास करते हैं। शक्ति और भक्ति से ही हमारी हर धारा प्रेम की निकलती है। हम किसी का बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बिगाड़ने आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर में घुस के मारने का भी मौका मिलेगा तो हमारी सरकारें पीछे नहीं रहती है। एक बार नहीं दो दो बार दुश्मन को जाकर के उसके घर में ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और हमारे तो त्योहार भी देखो कैसे हैं। माता बहनों की इज्जत शुरू से इस भारत की संस्कृति की विशेषता रही है और एक नहीं तीन देवी देवी पुराण में कहानियां आती है और देवी पुराण का संदर्भ है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी और सृष्टि की रचना में परम्बा देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं के माध्यम से संसार बढ़ाने की बात आई। अब इसमें लंबी कहानी है लेकिन हमारे लिए आपके सबके लिए जानने समझने के लिए कि हमारे यहां 33 करोड़ देवी देवता है लेकिन लक्ष्मी जी की साल में एक ही बार पूजा होती है। पैसे तो सुबह शाम रोज गिनते हैं अपन, लेकिन देवी को भी अपने यहां श्रद्धा के साथ केवल एक ही दिन स्मरण करते हैं। ये टाटा बिरला अंबानी पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर में आपके अपने यहां साधु संतों के फोटो मिल जाएंगे लेकिन पैसे वालों को पूजने के लिए हमारे यहां पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नैतिकता, ईमानदारी, सज्जनता। हमारे यहां तो जिनके पास कपड़े भी नहीं है दुनिया उसके सामने चरण पकड़ के अपने आनंद की भीख मांगती है, हमारी संस्कृति उनका आशीर्वाद हमको मिलता है क्योंकि जिनने संसार में सब कुछ त्याग दिया ये त्यागमय संस्कृति की याद दिलाती। और इन त्योहारों में होली हो दिवाली हो इनके आनंद तो हम मनाते ही हैं लेकिन इन आनंद में हम अगर अपने अकेले घर में मनाएंगे, ये त्योहार को सबके साथ मनाने की परंपरा है। इसलिए दिवाली के दिन बहनें अपनी थाली में रख रख के दीपक दूसरों के घर बांटने जाती। इसके पीछे का भाव क्या है? भाव ये कि मेरा घर का अंधेरा मिटे तो अपना तो हो ही लेकिन मेरे जितने परिचित है सबके घर का भी अंधेरा मिटना चाहिए, सबकी भी काली मां मिटना चाहिए, सबके जीवन में सुख का सरवेरा निकलना चाहिए, सबका जीवन आनंद से होना चाहिए। वो दीपक नहीं है, वो सुख की कामना है जो मेरे घर में भी हुआ और दूसरे के घर में भी होना चाहिए। होली का कलर पहचान वालों को भी लगाते हैं,
और मजा तो जब आता जिसको कुछ नहीं पहचानते उसके भी गाल पे लाल करने में हम आनंद आता है। ना जान ने पहचान तू मेरा मेहमान, एकमात्र त्योहार होली का है, होली के रंग में सब रंग जाते। ये जो होली है, दिवाली है, सारे तीज त्योहार है, लेकिन इन तीज त्योहारों की विशेषता में हमारा सबसे बड़ा अगर 12 महीने के 12 त्योहार और उसमें सबसे बड़ा त्योहार हमारा रक्षाबंधन का है। आपको प्रणाम करता हूं आनंद के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए। हमने कहा भले होंगे सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहनों के साथ भी तो राखी बनना चाहिए। मैंने कहा था बड़े बड़े घरों में तो सब राखी बनाने जाते हैं, अब तो प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजाओ जिनने कामना की है कि किसी का भी घर कच्चा नहीं रहे। तो अब तो ये मुश्किल है कच्चा ढूंढने के लिए भी, हमने कहा ढूंढो भैया कच्चे घर में जाएंगे। जिनके घर में अभी भी चद्दर लगी हुई है मैं उस घर में जाके राखी बंधवाऊंगा, वो आनंद आएगा। इस आनंद के लिए आपके बीच में आया था। ये तो आम के आम गुठली के दाम, डॉक्टर साहब ने एक पकड़ा दिया काम। मैं आया किस काम से था और काम क्या दे दिया मेरे को। लेकिन मैंने भी कहा डॉक्टर साहब ये सरकार हमारी है, इस सरकार के नुमाइंदे विधायक नाते आप भी हो, तो आप बहन घर मत छोड़ना, डॉक्टर तेज बहादुर का हल यही निकलवाएंगे, इनकी पीछा पकड़ते रहना, ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव में विधायक की जवाबदारी खाली बोलने से पूरी नहीं होती, वो शुरुआत होती है। और मैं इनके साथ हूं, मेरे लिए भी आनंद है इस बात का, हमारे जागरूक विधायक ने एहसास कराया, जागरूक सांसद हमारे साथ है। आपने कहा कि ये हमारे पट्टों की समस्या हल करना है और बहनों ने राखी बांधी है, और बहनें भी कोई कम तो, कितनी बहनें कहां कहां राखी बंधवा सूझी नहीं पड़ रही। कोई राखी बनाने वाला बनाए, बहन अपनी भाई को सगे भाई को तो सीधे हाथ में बांधती है, अब एक दो चार हो तो एक हाथ में बांधे, जब लाखों करोड़ों बहने होते तो मैं आपकी इच्छा हो इस हाथ में बांधो उस हाथ में बांधो कोई काट के थोड़ी फेंक दूंगा, ये तो अपने ही हाथ में, हाथ तो अपने ही है, परमात्मा ने दिया, इसको संभाल के रखना है। इसलिए राखी तो अपना अपना निमित्त है, सच्चे अर्थों में राखी ये मन की भावना से बनती है, आपके आशीर्वाद से बनती है। हमारी तो परंपरा है कि हम अपने मनुष्य तो मनुष्य, तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारी हाय से मरे हुए जानवर का चमड़ा भी भस्म हो जाता, चमड़ा भी, ये अंदर की हाय और अंदर की दुआ ये एक अलग रूप रखती है। और दुआओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश का दिल जीता और पूरी दुनिया में राज कर रहा है, मोदी जी का उदाहरण सबके सामने है। लोग रोज पता नहीं मोदी जी को, जिनके मन में खराबी है पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन से संकल्प लिया कि उनकी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन में भला करने के लिए धारण करके आगे बढ़ने का संकल्प लिए हुए। इसलिए उस संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रही, और हम भी उनके छोटे भाई, आपके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है ऐसे आनंद में रोज डूब रहे हैं। मैं आया आज हूं, लेकिन लाडली बहना कौन कौन है हाथ खड़े करके बताओ, कोई बचा के नहीं बचा है? बताओ, ताली बजाओ अपने आप के लिए। 1250 तो आपको मिले ही मिले, लेकिन 250 रुपए अलग से मिले, और जिनको नहीं मिले उनको भी मिले। एक आध तो हाथ आड़े तिर से हाथ मत करो, तुम फार्म भरने नहीं गए तो हम क्या करें? अरे बहन जिनको मिला उसका भी आनंद लो, जो नहीं मिला वो भी बोलेगी। अरे सुनने के लिए आया हूं मैं आपकी भी, देखो मैं तो अपने आप से आया, और इसलिए जो बची है उनको भी मिलेगी, इनके भी लिए ताली बजाओ, ये आज अपनी राखी पे आए, ये आनंद मिलो, आपकी मुस्कुराहट में सब कुछ आएगा। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? लेना है तो लाडली बहना का क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे, और बिजली वाले के लिए
आगे चल करके मोदी जी ने कहा है सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बेन, अभी तो अभी 4 दिन तो हुए सरकार बने को। आपने 5 साल का पट्टा दिया, बैठ जा जरा मेरी सुन लो। आपसे राखी बनवाने आया हूँ और बिना बुलाए आया हूँ। आप में से किसी ने निमंत्रण दिया क्या मेरे को? लेकिन आया कि नहीं आया? हमारी बहने यहाँ बड़े बड़े मकान, अच्छे अच्छी कॉलोनी, बहुत सारे लोग काजू बादाम खिलाने वाले हैं, लेकिन पानी पिलाने वाले का भी आनंद होना चाहिए, उनके घर का भी तो मजा लेना चाहिए। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं और हमने संकल्प लिया है आप सबको भी, कलेक्टर साहब यहाँ है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का, एक गांव की आबादी पुरानी थी उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते, पुराना गांव था मुझे मालूम है, ये सही कह रहा हूं मैं? तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आपसे सबसे भाव की राखी बंधवा ली मैंने, आपके भाव का आशीर्वाद मिले इसलिए आपके बीच आया। आज महाकाल की सवारी में शामिल होने जाने वाला हूं यहां से। महाकाल की सवारी में जाने के लिए आप ताली बजा के आशीर्वाद दो, सबकी राखी बन गई ये मान के चलता हूं। और आपको पट्टे मिल गए तो मेरी बहनों को गिफ्ट दे दिया ये भी मान के चलता हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, बार बार हम मिलते रहे और त्योहार सबके साथ मिलके मनाने का ही मजा होना चाहिए। आज अपने घर में जब आप अपने सक्के भाई को, भतीजे को, काका बाबा मामा के बच्चे को अगर राखी बांधोगी, कंकू का तिलक लगाओगी, तो मैं मान के चलूंगा मुझे अपने आप तिलक लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद आपका चाहिए, ये प्रेम जीवन भर बना रहना चाहिए। महाकाल की सवारी के पहले धर्म विभाग का एक कार्यक्रम भी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उज्जैन आए हैं, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना रहेगा, मैं देरी से आया क्षमा चाहता हूँ। आपका भी त्योहार के दिन थोड़ा समय लिया, लेकिन आपका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे, इसी भावना के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप सब बहनों से भी आग्रह करता हूँ जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को।